स्टूडेंट्स को या फिर कोई अदर पर्सन किसी को पढ़ा हुआ भूल जाता है तो किसी को कोई इम्पोर्टेंट बात भूल जाता है, कोई किसी इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें कि हमें सब कुछ याद रहे। सफलता के मार्ग में एक बाधा स्मरण शक्ति की कमी भी होती है। जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति याददाश्त बहुत कमजोर है वह सफलता बहुत देर से प्राप्त करता है, और वे व्यक्ति जीवन में बहुत शीघ्र सफल होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति प्रबल होती है और जो कुछ भी वो देखे पढ़े सुने वो कभी नहीं भूलते हैं। आपकी स्मरण शक्ति बड़ी छीन है और आप बात को शीघ्र ही भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका अर्थ न लगा ले कि आप असफल व्यक्ति हैं, आप भी सफल हो सकते हैं, आप सफल भी हैं। फिर भी स्मरण शक्ति बढ़ने पर आप और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकते हैं। स्मरण शक्ति में वृद्धि करना भी असंभव बात नहीं है। बड़े बड़े दार्शनिकों के ऐसे ऐसे बात पढ़ने सुनने को मिलते हैं कि हंसी आती है। एक महान दार्शनिक बाजार में खरीदी हुई वस्तु उसी दुकान पर भूल आते थे जिससे खरीदते थे। घर आने पर अपनी पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ता था, उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता था। एक महान गणितज्ञ हिसाब किताब में ही इतना अक्षम थे कि उन्हें अपना बैंक बैलेंस ही याद नहीं रहता था। कई शिक्षक जो छात्रों को गंभीर विषय पढ़ाते हैं और उन्हें स्मरण रखने की सीख देते हैं वह स्वयं ही भूल जाते हैं कि पत्नी ने उन्हें बाजार से क्या लाने भेजा था। आप अपनी याददाश्त शक्ति पर विश्वास कीजिए। बी ट्रस्ट ऑन योर लर्निंग पावर। आप अपनी स्मृति पर विश्वास कीजिए। कभी भी यह ना सोचे कि आपकी स्मरण शक्ति छीन है, कमजोर है। आप जो कुछ भी याद रखना चाहते हैं याद नहीं रहता है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। बल्कि यह सोचे कि अब आप जो भी याद रखना चाहेंगे याद रहेगा। आपकी स्मरण शक्ति इतनी भी छीन नहीं है जितनी आप समझ बैठे थे। आप निरंतर तीव्र स्मरण शक्ति को स्थायी बनाए जा रहे हैं। अपने माइंड को बनावटी सहायता ना दे। अपनी स्मृति को बनावटी सहायता देने पर सदैव दूर रहें। इससे आपके मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, रटना अनुचित है। मनोविज्ञान से यह प्रूफ हो चुका है कि कम समय में अधिक परिश्रम की अपेक्षा अधिक समय में कम परिश्रम से याद करने की विधि सरल प्रभावशाली होती है। मतलब यदि कोई विषय याद करना है तो एक रात्रि में उसे 10 बार ना पढ़कर 5 दिनों तक 2-2 बार पढ़ने पर शीघ्र याद हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास समय कम है तब आप रट सकते हैं। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न लगाएं। सीमा से अधिक किया गया प्रयास तनाव उत्पन्न करता है और तनाव मस्तिष्क को कमजोर कर देता है जिससे हमारे याद रखने की प्रक्रिया रुक जाती है। ऐसी स्थिति में हमें जो भी याद रहता है हम वह भी भूलने लगते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टिप्स फॉलो जरूर करें। नंबर 1, एक मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब तुरंत ताने के साथ देने वाले का मस्तिष्क स्वस्थ माना जाता है। नंबर 2, विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले केला खाना चाहिए, इससे उनमें एनर्जी बनी रहती है और केले में मौजूद हाई पोटेशियम उनके दिमाग को तेज बनाता है। नंबर 3, दिमाग तेज करने के लिए दही खाए, क्योंकि दही में अमीनो अम्ल होता है जिससे टेंशन कम होता है और दिमाग की क्षमता बढ़ती है। नंबर 4, 30-40 मिनट तक लगातार पढ़ना और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना यहाँ सबसे कारगर तरीका है नई चीजों को याद रखने में। नंबर 5, किसी टॉपिक को ऐसे पढ़े जैसे आप किसी को समझा रहे हो, ऐसे में हमारा दिमाग जल्दी जल्दी चीजों को सीखता है। नंबर 6, एक शोध की माने तो 73% कॉलेज के छात्र नींद की समस्या से जूझते हैं। नींद को भगाने के लिए आप कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है। नंबर 7, परीक्षा से पहले आप उन चीजों को किसी नोटबुक में लिख डालिए जिन चीजों की आपको चिंता सता रही है। ऐसा करने से कुछ समय के लिए हमारा दिमाग फोकस्ड हो जाता है और हमारे अंदर गजब की पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। नंबर 8, नोट्स बना के एक दिन के अंदर पढ़ लेने से आप उन्हें 60% से ज्यादा याद कर लेते हैं और भूलने का खतरा भी खत्म हो जाता है। नंबर 9, अगर आप जल्दी जल्दी अध्ययन करना चाहते हैं तब किसी भी टॉपिक का पहला और अंतिम पैराग्राफ पढ़िए, इसके बाद मिडिल का पैराग्राफ पढ़िए। ऐसा करने से आपको पूरे टॉपिक के बारे में जल्दी आइडिया लग जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।